भावनगर चुवाड़िया कोड़ी ठाकुर समाजे पण तमाम पक्षों सामे बायो चढ़ावी छे। सीहोर में चुवाड़िया कोड़ी ठाकुर नी बैठक मळी हती। कोईपण पक्षे चुवाड़िया कोड़ी ठाकुर ने एक पण टिकट नही फाड़वाता रोष फैलायो। समाजना आगेवानो आगामी दिवसों में महासंमेलन बोलावी रणनीति नक्की करशे। धनसुराना उदयपुर गामे चूंटणी बहिष्कारना बेनरो लाग्या छे। उदयपुरथी रामपुरनो रोड उबड़खाबड़ थई गयो छे। वर्ष 2011 पछी रोडनुं कोई समारकाम थयुं नथी। ग्रामजनोએ અનેક વખત તંત્રમાં રજૂઆત કરી। 2 વર્ષથી રોડ મંજૂર થયો હોવાનું તંત્ર રટણ કરી રહી છે। ગ્રામજનોએ રોડ નહીં તો વોટ નહીંની ચીમકી પણ ઉચ્ચારી। विधानसभा चूंटणी में गुजरात प्रदेश कांग्रेस प्रमुख जगदीश ठाकुर 125 बैठक जीतीने कांग्रेसी सरकार बनशे तेवो दावो कर्यो। जेना पर भारतीय जनता पार्टी ना प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी आप अने कांग्रेस बने पर निशान ताक्यू अने कह्युं कि कांग्रेस पोतानी जमीन बचाववा मैदाने छे, आप पोतानी ओळख छती करवा मैदाने छे अने भाजप फरी सत्ता पर आववा मैदाने छे। કોંગ્રેસ પ્લસ થઈ રહી છે અને પહેલે દિવસથી અમે કહી રહ્યા છીએ કે ગુજરાતમાં 125 પ્લસ સાથે સરકાર બનાવી રહ્યા છીએ। યહાં સબ પાર્ટીયાં અલગ અલગ કારણો સે ચુનાવ મેદાન મે હૈ। કોંગ્રેસ પાર્ટી સિર્ફ અપની જમીન બચાને કે લિયે ચુનાવ મેદાન મે હૈ। આમ આદમી પાર્ટી સિર્ફ અપની હૈસિયત બનાને કે લિયે યા ઉપસ્થિતિ દર્જ કરાને કે લિયે ચુનાવ મેદાન મે હૈ। और सरकार बनाने के लिए केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी चुनाव में। कांग्रेस से पुताना चुटनी ढंढेरा दरमियान सरदार पटेल ने याद करे ने सरकार बनावता आज नरेंद्र मोदी स्टेडियम ने सरदार पटेल नाम आपवानी घोषणा करी। जेना पर घमासान सर्जायो ने भाजपे जवाब आपता कांग्रेसे पुताना शासन दरमियान एक पण योजना शुरू न करी हती त्यारे कांग्रेस ने सरदार पर बोलवानो कोई हक नथी तेम कही निशान ताक्यू। आप कैसे वापस का नाम बदल सकते हो नरेंद्र मोदी जी नाम का? अरे नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री है, इससे बड़ा स्टेडियम बन सकता था। अगर प्रधानमंत्री के नाम का स्टेडियम बना हमें ऑपरेशन नहीं है। आप सरदार पटेल के स्टेडियम रखते जो थोड़ी वो गुजराती बने। प्रधानमंत्री के नाम का स्टेडियम गुजरात के अलावा भी कई बन सकता था। सरदार पटेल के नाम पर उन्होंने कौन सी योजनाएं चलाई थी जरा कृपया पहले ये बता दें। सरदार पटेल जी की मृत्यु के एक दशक के बाद भी, और मैं तो यह कहना चाहूंगा इस देश का प्रधानमंत्री पद का पद ही जिन्होंने सरदार पटेल से छीन लिया था, आज की डेट में सरदार पटेल जी के बारे में कुछ भी कहने का नैतिक आधार कम से कम कांग्रेस पार्टी